हाय हाय। तो किसके साथ चल रहा है अफेयर आजकल तुम्हारा? क्या? हाँ, किसके साथ घूम रही हो आजकल? क्या मुझसे बैठे रहो? अरे रुक, ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, हेलो। तुम मुझे कॉल करना बंद क्यों नहीं कर देते हो? नहीं करूंगा, तुम मुझे मेरी लाइफ में वापस चाहिए बस। देखो, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर ये डिसीजन हम दोनों ने मिलके लिया था। मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे तुम मेरी लाइफ में वापस चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होना भगवान कसम है तुम्हारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, समझी? हेलो हेलो, हेलो। कहाँ हो तुम? मैं वो सारे गिफ्ट्स वगैरह लेके आई थी। सारे गिफ्ट्स हैं ना उसमें? हाँ, सारे गिफ्ट्स लाए। तो वहीं गेट पर गिफ्ट्स रखो और जाओ यहाँ से, तुम्हारे गिफ्ट्स तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। पर मुझे मेरे गिफ्ट्स वापस नहीं चाहिए। तो ठीक है, जला दूंगा, फेंक दूंगा कहीं पे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने किया जो किया है, यूज किया मुझे, और अब जो मेरी मर्जी आएगी मैं वही करूंगा। चुपचाप वहां गिफ्ट रखो और दफा जाओ यहां से। ब्रेकअप किसी की भी लाइफ में एक बहुत ही मुश्किल फेज होता है। इसमें आप सैड हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, मगर इसे हैंडल कैसे करना है आइए देखते हैं फ्लिप साइड। हे हाय। हाय, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो फिर सब सॉर्टेड है ना? ऑफ कोर्स, मैं किकबॉक्सिंग भी करता हूँ आजकल, कोशिश करता हूँ कि अपने आप को बिजी रखूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। या अच्छा, गौरव को मुझे जाना है, तो मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय। श्योर, मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा सुनो, तुम मेरा नंबर ब्लॉक कर सकती हो क्या? पर क्यों? क्योंकि ड्रिंक करने के बाद मैं कोई भी स्टूपिड हरकत नहीं करना चाहता। क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तो तुमने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया? मेरे पास एक्चुअली तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? ये सब कुछ पुराने गिफ्ट्स और पुरानी चीजें हैं। पर तुम ये सब वापस क्यों कर रहे हो? देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन ये सब मुझे हमारे रिलेशनशिप की याद दिलाएगा, और मैं उस जोन में नहीं रहना चाहता। ओह, ओके। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। सच बोलूं तो नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम इतनी मैच्योरली और इतना अच्छे से इन चीजों को हैंडल कर रहे हो। मैं बस मूव ऑन करना चाहता हूं। आई थिंक ये हम दोनों के लिए बेटर रहेगा। या तो फिर मैं चलूं। टेक केयर, बाय बाय। यू टू, मिलते हैं, बाय। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ब्रेकअप एक बहुत ही मुश्किल दौर होता है किसी के लिए भी, जिसमें आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, दुखी होते हैं, मगर इसी टाइम आपका असली कैरेक्टर सामने आता है। अगर आप अपने मुश्किल टाइम में अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं तो ही आप लाइफ में और बड़ी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए और अपने एक्स के साथ एक डिसेंट रिलेशनशिप रखिए। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो एटलीस्ट आप दोस्त तो ज़रूर रह ही सकते हैं। इस स्टोरी में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड स्टे पॉजिटिव।